हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है सेफ्टी हुक और डिटैचिंग हुक। पिछले वीडियो में हमने केज सस्पेंशन गियर अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिवीजन के लिए मैं आपको ये बता दूं, वाइंडिंग रोप केज से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है, केज सस्पेंशन गियर अरेंजमेंट के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। केज सस्पेंशन गियर अरेंजमेंट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेफ्टी हुक और डिटैचिंग हुक, जो केज तथा वर्किंग पर्सन और मटेरियल्स और मिनरल्स को सेफ रखता है ओवर वाइंडिंग होने पर। सेफ्टी हुक को रोप कैपल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट और ट्राइंगुलर प्लेट के बीच में फिक्स किया जाता है। सेफ्टी हुक दो तरह का होता है, पहला है आर्मर्ड डिटैचिंग सेफ्टी हुक और दूसरा है किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक। इन दोनों में से किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक मोस्टली यूज्ड होता है। अब बात करते हैं किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक का कंस्ट्रक्शन के बारे में। किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक में चार प्लेट्स होता है, दो इनर प्लेट एंड दो आउटर प्लेट्स। दोनों आउटर प्लेट्स फिक्स्ड होता है एंड इनर प्लेट्स दोनों आउटर प्लेट्स के बीच में फेस टू फेस ऐसे फिक्स्ड किया जाता है कि दोनों इनर प्लेट्स सीजर्स की तरह मूव कर सके एंड ओपन हो सके। इनर प्लेट में तीन होल्स रहता है, टी, एफ एंड सी, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एंड आउटर प्लेट का कंस्ट्रक्शन भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एफ होल में एक बोल्ट फिक्स किया जाता है जो उन चारों प्लेटों को एक साथ रखता है, एंड सी होल में एक कॉपर सीआर पिन फिक्स किया जाता है जो ओवरवाइंडिंग होने पर टूट जाता है। सेफ्टी हुक के कंस्ट्रक्शन के बाद अब बात करते हैं सेफ्टी हुक के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में। हेड गियर पुली के काफ़ी नीचे एंड बैंकिंग लेवल के थोड़ा ऊपर एक डिटैचिंग प्लेट लगाया जाता है। जब ओवरवाइंडिंग होता है, मतलब केज बैंकिंग लेवल से ऊपर जाता है, तब सेफ्टी हुक का अपर पोर्शन डिटैचिंग प्लेट से पास होता है एंड इनर प्लेट का लोअर पोर्शन, मतलब डी पोर्शन, डिटैचिंग प्लेट के द्वारा प्रेस हो जाता है। इसके बाद सीआर पिन टूट जाता है और इनर प्लेट्स ओपन होके डिटैचिंग प्लेट में बैठ जाता है, जिसके चलते केज वही के वही सस्पेंड हो जाता है एंड रोप से केज का कनेक्शन टूट जाता है और रोप ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके बाद केज को नीचे लाया जाता है, केज को एग्जामिन किया जाता है और साथ ही साथ सेफ्टी हुक को भी रिपेयर किया जाता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेफ्टी हुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 86, हर 6 महीने में एटलीस्ट एक बार सेफ्टी हुक को क्लीन एंड एग्जामिन किया जाएगा एंड इसके साथ साथ एक नया सीआर पिन लगा के उसको रीफिटिंग भी किया जाएगा। इन सिंकिंग सेफ्ट 6 महीने का ड्यूरेशन कम होके 1 हफ्ता कर दिया जाता है, मतलब सिंकिंग सेफ्ट होने पर हर 1 हफ्ते में एटलीस्ट एक बार वही सब प्रोसीडियर्स फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हर 30 दिन में एक बार डिटैचिंग प्लेट को एग्जामिन किया जाएगा कैलिपर्स एंड गॉजेस के साथ। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट कीजिए। हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए माइनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन